आप अपने बारे में किसी से कुछ मत बोलिए, आप अपना काम करते रहिए, एक दिन वही काम आपका परिचय देगा। जिसकी नीति अच्छी होती है उसकी उन्नति भी अच्छी होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दो हाथों से आप 50 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन इन्हीं दो हाथों को जोड़कर आप लाखों करोड़ों का दिल जीत सकते हैं। कोई भी इंसान आपके पास तीन कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दीजिए, यदि अभाव से आया है तो उसकी मदद कीजिए, और यदि प्रभाव से आया है तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए क्योंकि आपको इतना प्रभावी बनाया है। नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं ये हमारी मन की भावनाओं पर निर्भर करता है। मन का खोट समुद्र के पानी की तरह होता है, कितना भी निकाल लो खत्म नहीं होता। जीवन में जो पाठ हमें खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो दुनिया का कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी शिक्षक नहीं सिखाता। कभी किसी को खुश करने का मौका मिले तो कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का मौका मिलता है। इन 84 लाख जीवों में से सिर्फ मनुष्य धन कमाता है, लेकिन कोई जानवर कभी भूखा नहीं मरता, और ये इंसान है कि जिसका कभी पेट नहीं भरता। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता ही नहीं होता कि असली जीत क्या है, वो तो अपने मालिक के दी हुई प्रताड़ना के कारण दौड़ता है। यदि आपकी ज़िंदगी में कभी तकलीफ आए तो याद रखिएगा कि आपका मालिक आपको रेस में जिताना चाहता है। जहाँ से हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत शुरू होती है। ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन सोच रखो, हमेशा दूसरों की सुनो और उनसे कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, लेकिन यदि स्वार्थ से हुई है तो टिकना भी मुश्किल है। यदि लोग आपकी अच्छाइयों को आपकी कमजोरी समझ रहे हैं तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र तो उनको हो जिनके मन में खोट है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, लेकिन यदि ये तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। मैं हूँ राकेश कुमार, आरके मोटिवेशन स्टोरी का क्रिएटर। कोशिश है मेरी खुद को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कामयाबी की ओर ले जाने की। अगर ये वीडियो आप YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook या Instagram में देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।